हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सनी देओल की ब्लॉकबस्टर मूवी गदर 2 के बारे में। और आज की इस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने ये मूवी पूरी नहीं देखी है तो आप कोई नहीं, आप हमारी वीडियो को कम से कम 20 मिनट तक या 15 मिनट तक देखिए तो आपको इस मूवी की फुल स्टोरी समझ आ जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। और आप हमारे चैनल पर जाइए, और भी मूवी का रिव्यू मैंने दिया है और मूवी को एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देखिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट 1 की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल, जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है। वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं, जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा। तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसकी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैंने दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में। तो वह तारा सिंह अपने ट्रक लेकर लेके दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। ये सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है, और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है, जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारा का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है, वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता है, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरे बेटा। तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों के हत्या चढ़ी है, और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत सलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं, और जहाँ पर पूरी जनता, पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह सनी देओल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है।
जहाँ पर वह अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था, लेकिन वह अपने बच्चों को बचा कर वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है जिससे वह ठीक होता है, लेकिन वह पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। पुलिस उसके बेटे के पीछे, जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करके वह उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। और दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है। और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है, और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते। और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बमबारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं, और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब वो कहता है कि अब तू कहाँ जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है। इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, हमारा मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ। इस पर लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के तरफ के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है। वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मामे के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है। वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं, जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में
वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैंने दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में। तो वह तारा सिंह अपने ट्रक ले कर दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को, जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। ये सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मासी चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है, जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारक का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता है, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरे बेटा। तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों के हत्या चढ़ी है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं और जहाँ पर पूरी जनता, पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वह अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था। लेकिन वह अपने बच्चे को बचा के वापस ले आता है, वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है, जिससे वह ठीक होता है। लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। तो वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, पुलिस उसके बेटे के पीछे। जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करके उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन
वह नहीं मार पाते और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं वह उन पर बमबारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वे वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनके उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अब वो कहता है कि अब तू कहां जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और इनके में लड़ाई हो जाती है। वहां पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, हमारा मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ। इस पर लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के तरफ के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मामे के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है। वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं, जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैंने दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक ले कर दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। ये सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मासी चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है, जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारा का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे
को मिलवाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है। वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरे बेटा। तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत सलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं और जहाँ पर पूरी जनता, पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वह अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था। लेकिन वह अपने बच्चे को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है जिससे वह ठीक होता है। लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। तो वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। पुलिस उसके बेटे के पीछे, जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जाना था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करके उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ करा कर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते। और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब वो कहता है कि अब तू कहाँ जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ। इस पर लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के तरफ के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मामे के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए
वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैंने दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक लेकर लेके दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। ये सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है जो कि कहता है कि मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है, और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारक का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता है, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा, तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत सलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं और जहाँ पर पूरी जनता पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। जहाँ पर वह अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था, लेकिन वह अपने बच्चे को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है जिससे वह ठीक होता है, लेकिन वह पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। तो वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। पुलिस उसके बेटे के पीछे जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जाना था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करके और उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल
हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं, वह सब किसी को नहीं छोड़ता। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो कहता है कि अब तू कहां जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहां पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, हमारा मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ इस पर, लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के तरफ के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मामे के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं, जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है, जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है। तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैंने दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक ले कर दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को, जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। ये सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है, जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है, जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो
तारक का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को पापा तक अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा, तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों की हत्या चढ़ी है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत सलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उनको ले उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं और जहाँ पर पूरी जनता, पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वह अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था। लेकिन वह अपने बच्चे को बचा के वापस ले आता है, वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है, जिससे वह ठीक होता है। लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। तो वह बच्चे बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, पुलिस उसके बेटे के पीछे, जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है, फिर वह गाना गा रहा गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करके और उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं, वह सब किसी को नहीं छोड़ता। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं, तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनके उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब वो कहता है कि अब तू कहाँ जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था, वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ इस पर, लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के तरफ के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है क्या, और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में
वह अपने मम्मी के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैंने दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक ले कर दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। ये सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है, और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारा का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है, वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा, तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों की हत्या चढ़ी है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं, और जहाँ पर पूरी जनता पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। जहाँ पर वह अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था, लेकिन वह अपने बच्चे को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है, जिससे वह ठीक होता है, लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। तो वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे
पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। पुलिस उसके बेटे के पीछे, जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा है, गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करके और उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अब वो कहता है कि अब तू कहां जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहां पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान के जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ इस पर, लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के तरफ के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है क्या, और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मामे के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैंने दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक ले कर दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। यह सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन
इस सब चीज़ों में पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी आई उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनकी ख्यालों में खो जाती हैं जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लेकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मासी चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारक का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है, वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा। तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों की हत्या चढ़ी है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि वह उस पर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं और जहाँ पर पूरी जनता पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर वह अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था लेकिन वह अपने बच्चे को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है जिससे वह ठीक होता है लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। पुलिस उसके बेटे के पीछे जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा गाना गाते हैं जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करके और उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है जहाँ पर उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर बिजली के खंभे उठाता है फेंकता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वह नहीं मार पाते और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनके उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने
अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो कहता है कि अब तू कहां जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है। इसलिए वह अब तारा सिंह और इनके में लड़ाई हो जाती है। वहां पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, हमारा मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ। इस पर लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता। तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के तरफ के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है क्या, और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मम्मी के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल, जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है। वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं, जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा। तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैंने दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में। तो वह तारा सिंह अपने ट्रक ले कर दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को, जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। ये सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है, जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारा का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरे बेटा।
तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों की हत्या चढ़ी है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि वह उस पर गलत सलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं और जहाँ पर पूरी जनता, पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती है क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वह अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था। लेकिन वह अपने बच्चों को बचा के वापस ले आता है, वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है जिससे वह ठीक होता है। लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। तो वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, पुलिस उसके बेटे के पीछे। जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा है, गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करके वह उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ करा कर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब वो कहता है कि अब तू कहाँ जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ इस पर, लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के तरफ के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है क्या, और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मामे के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं, जो कि उसका
लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैंने दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक ले कर दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने का हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। ये सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है, जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है, और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारक का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा, तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं, और जहाँ पर पूरी जनता पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने के बाद उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। जहाँ पर वह अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था, लेकिन वह अपने बच्चे को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है, जिससे वह ठीक होता है, लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। वह बच्चे बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, पुलिस उसके बेटे के पीछे। जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करकर उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन
वह नहीं मार पाते और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर पीछा करने के बाद उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बमबारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनके उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो कहता है कि अब तू कहां जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहां पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ। इस पर लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता। तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के तरफ के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मामे के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है। वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं, जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा। तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराजगी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैं दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में। तो वह तारा सिंह अपने ट्रक ले कर दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को, जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। ये सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है, जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारा का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे
को मिलवाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है। वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा। तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों की हत्या चढ़ी है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत सलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं और जहाँ पर पूरी जनता, पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वह अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था। लेकिन वह अपने बच्चों को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है जिससे वह ठीक होता है। लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। पुलिस उसके बेटे के पीछे, जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करकर उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। और दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते। और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब वो कहता है कि अब तू कहाँ जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ इस पर। लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के तरफ के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है क्या, और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मामे के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए
वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैंने दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक ले कर दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। यह सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है, और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारक का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा, तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वे लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं, और जहाँ पर पूरी जनता, पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। जहाँ पर वह अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था, लेकिन वह अपने बच्चों को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है, जिससे वह ठीक होता है, लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। वह बच्चे बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, पुलिस उसके बेटे के पीछे। जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करकर उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल
हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं, वह सब किसी को नहीं छोड़ता। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अब वो कहता है कि अब तू कहां जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहां पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, हमारा मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ, इस पर लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोग या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के तरफ के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मामे के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं, जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराजगी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैं दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक ले कर दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। यह सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है, जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो
तारक का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को पापा तक अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा। तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों की हत्या चढ़ी है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत सलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वे लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं और जहाँ पर पूरी जनता, पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वह अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था। लेकिन वह अपने बच्चों को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है, जिससे वह ठीक होता है। लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। पुलिस उसके बेटे के पीछे, जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करकर उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते। और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अब वो कहता है कि अब तू कहां जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहां पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ। इस पर लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के रब के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में
वह अपने बाप मम्मी के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसकी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैं दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक लेकर लेके दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। यह सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। यह सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है, और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारक का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा, तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वे लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं, और जहाँ पर पूरी जनता पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। जहाँ पर वह अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था, लेकिन वह अपने बच्चों को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है, जिससे वह ठीक होता है, लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। तो वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे
पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, पुलिस उसके बेटे के पीछे। जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करकर और उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है। और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते। और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अब वो कहता है कि अब तू कहां जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है। इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहां पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, हमारा मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ। इस पर लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के रब के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है क्या, और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मामे के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं, जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराजगी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैं दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक लेकर लेके दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। यह सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की
हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है, जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारक का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को पापा तक अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है, वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा। तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं और जहाँ पर पूरी जनता, पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वह अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था, लेकिन वह अपने बच्चों को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है, जिससे वह ठीक होता है, लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। तो वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, पुलिस उसके बेटे के पीछे। जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करकर उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अब वो कहता है कि अब तू कहां जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहां पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ इस पर, लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है
कि तुम कुरान लोग या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम अब तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के तरफ के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन सोल्जर को वह लोग इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है कि और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मम्मी के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैंने दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक लेकर लेके दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। यह सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है, और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारा का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है, वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा, तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों की हत्या चढ़ी है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं, और जहाँ पर पूरी जनता पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके
ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वह अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था। लेकिन वह अपने बच्चों को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है, जिससे वह ठीक होता है। लेकिन वह पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। तो वह बच्चे बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। पुलिस उसके बेटे के पीछे, जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करकर उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है। और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है, और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते। और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था, उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं, और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब वो कहता है कि अब तू कहाँ जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, हमारा मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ। इस पर लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के रब के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है क्या, और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मम्मी के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं, जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में
वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैं दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में। तो वह तारा सिंह अपने ट्रक लेकर लेके दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को, जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। यह सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ये सब सुनते हुए उसकी पत्नी आई उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मासी चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है, जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारक का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को पापा तक अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा। तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों की हत्या चढ़ी है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत सलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं और जहाँ पर पूरी जनता पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वह अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था। लेकिन वह अपने बच्चों को बचा के वापस ले आता है, वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है, जिससे वह ठीक होता है। लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। तो वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, पुलिस उसके बेटे के पीछे। जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करकर उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन
वह नहीं मार पाते और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर पीछा करने के बाद उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनके उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अब वो कहता है कि अब तू कहां जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहां पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, हमारा मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ। इस पर लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के रब के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है क्या, और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मामे के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की कुछ थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं, जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज़ हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैं दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक ले के दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। यह सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। यह सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बच कर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है, जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारा का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे
को मिलवाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है। वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा। तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों की हत्या चढ़ी है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत सलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वे लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं और जहाँ पर पूरी जनता, पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वह अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था। लेकिन वह अपने बच्चों को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है जिससे वह ठीक होता है। लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। तो वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। पुलिस उसके बेटे के पीछे, जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करकर उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते। और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अब वो कहता है कि अब तू कहां जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहां पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ। इस पर लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के रब के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है क्या, और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मम्मी के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए
वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज़ हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। यहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैंने दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक लेकर लेके दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। यह सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। यह सब सुनते हुए उसकी पत्नी आई उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनकी ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है, और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो तारा का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है, वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता है। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा, तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों की हत्या चढ़ी है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वे लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं, और जहाँ पर पूरी जनता पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वह अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था, लेकिन वह अपने बच्चों को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है, जिससे वह ठीक होता है, लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। वह बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के कारण तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, पुलिस उसके बेटे के पीछे। जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करकर उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल
हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं, वह सब किसी को नहीं छोड़ता। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं, तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अब वो कहता है कि अब तू कहां जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहां पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था, वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ, इस पर लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के रब के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है, फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है क्या, और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में वह अपने मम्मी के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गदर पार्ट वन की थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे तारा सिंह ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे परिवार खुशी के लिए वह पाकिस्तान से जाकर वापस अपनी पत्नी को वापस लेके आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का जनरल जो कि हिंदुओं और हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वह पाकिस्तानी में हिंदुओं का नाम और निशान मिटाना चाहता है, वो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू नहीं मानते। फिर वो उन लोगों को मार देता है, लेकिन वह उसका असली मकसद तो तारा सिंह को मारना होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट में तारा सिंह को देखते हैं, जो कि उसका लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह नाराज़ हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको बुलेट चाहिए होती है उसके बेटे को, तो वह कहता है कि मैं बुलेट नहीं लूँगा, तो पर वो थोड़ी देर में वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसकी नाराज़गी के आगे नहीं टिक पाता, उसे दे देता है। जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग भी आता है, तभी वहाँ पर उसे अपने हिंदुस्तान के इंडिया के जनरल का फ़ोन आता है कि तो मैं दवाइयाँ ले आनी है ट्रक में, तो वह तारा सिंह अपने ट्रक लेकर लेके दवाइयाँ पहुँचाता है सोल्जर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान का जनरल तारा सिंह को देख लेता है और वह फायर करने के हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से वह ट्रक में फायर हो जाता है और वह उछल के बहुत दूर जाके गिरता है। यह सब उसके बेटे और उसकी पत्नी को पता चल जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों में वह पुलिस फौजी लोग मतलब जनरल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। यह सब सुनते हुए उसकी पत्नी यानी उसकी उत्कर्ष की हम मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, वह उनके ख्यालों में खो जाती हैं, जिसके कारण वह बीमार हो जाती हैं और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे पाकिस्तान जाने की डिसाइड कर लेता है और वह पर्ची देकर अपने चिट्ठी को लिखकर अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैसेज चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान में एंट्री मान लेता है, लेकिन एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वह वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर वह अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, जो कि कहता है कि वो मुझे पापा अपने पापा का ढूंढने के लिए आना है। जहाँ पर वह एक अफसर के घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी एक मुस्कान होती है, जो कि उसकी इकलौती बेटी होती है, और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अब वो
तारक का बेटा कहता है कि अब यही मेरे को पापा तक अपने पापा तक पहुँचाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि वह उससे प्यार का नाटक करने लगता है और वह उसके परिवार में अच्छा घुल मिल जाता है। फिर घुल मिल जाने के कारण वह अब कहता है कि अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह लड़की उससे प्यार करने लगती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ लेके आऊँगी, मतलब तुम्हारे को मिलवाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी मदद करने लगती है, वो अंदर पुलिस स्टेशन के मतलब जहाँ पर कैदी होते हैं वहाँ पर घुस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा सिंह अब वापस आ गया होता है, क्योंकि वह कहीं गिरा नहीं होता, बल्कि वह मात को दूर जाके गिर गया होता, ना कि पाकिस्तान में गिरा होता। तारा सिंह यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह भी पाकिस्तान चला जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा। तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा पुलिस वालों की हत्या चढ़ी है और अब वह उस पार्लियामेंट के बीच में उसे मौत करार दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वह उस पर गलत सलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर वह लोग उसको पार्लियामेंट के पास ले जाते हैं और जहाँ पर पूरी जनता, पाकिस्तान की जनता उस पर पत्थर मारने लगती, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जनता को भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से वह भड़क जाती है और उनको उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर फेंकने की वजह उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जहाँ पर फिर वह शनि देवल की आवाज़ आती है, मतलब तारा सिंह की आवाज़ आती है, जिससे वहीं पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वह अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा था। लेकिन वह अपने बच्चों को बचा के वापस ले आता है। वह अपनी पत्नी से उसकी बात करा देता है, जिससे वह ठीक होता है। लेकिन वह उस पाकिस्तान से निकलना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ उन्हें पुलिस और पब्लिक ही दिखाई दे रही होती है। तो वह बच्चे बचते बचाते हुए एक ट्रेन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह पुलिस वाले उन पर तोप पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तारा सिंह के पीछे पूरी पब्लिक पड़ी हुई थी और उसके बेटे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, पुलिस उसके बेटे के पीछे। जैसे तारा सिंह तो वो कैसे ना कैसे उसको बच जा रहा था, लेकिन उसका बेटा बचते बचाते किसी न किसी यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा सिंह और उस बड़े दुखी होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर वह गाना गा रहा गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों गाना गाते हैं तो एक दूसरे मिल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्कान के पापा उसकी मदद करकर उसकी अपनी लड़की को और उसके लड़के के साथ कराकर वह उनको रवाना कर देते हैं। पर दूसरी तरफ जब जनरल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें उनसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा सिंह कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, जिसकी वजह से तारा सिंह को जोश चढ़ जाता है और वहाँ पर वह बहुत भयंकर भयंकर बिजली के खंभे उठाता है, फेंकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। वह सब किसी को नहीं छोड़ता और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह पूरे अकेला ही सब पूरे पाकिस्तानी सोल्जर को धूल चटा देता है और वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं मार पाते। और वह एक अपने सारे सोल्जर जो कि उनके कैद में था उनको लेकर एक टैंक में बैठ जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर पीछा करने के बाद जो उनको पीछा करने लगते हैं, वह उन पर बम बारी और फायरिंग करने पड़ते हैं। तोप की फायरिंग करने के बावजूद भी वह वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह उनकी फायरिंग के बाद भी वह उनसे बच जाते हैं और वह बचते बचाते अपने बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब वो कहता है कि अब तू कहाँ जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं होता पाकिस्तान के जनरल को कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इसलिए वह अब तारा सिंह और उनके में लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर आ जाती फिर इंडियन सोल्जर आया था और इंडिया का जनरल आया था। वह अपने पाकिस्तान से जनरल को कहता है कि तुमने हमारे कैसे ऑफिसर की हालत क्या कर रखी, मेरा मन करता है कि तुम्हें गोलियों से भून दूँ। इस पर लेकिन वह तारा सिंह को हवाले कर देता है। तारा सिंह उससे कहता है कि तुम कुरान लोगे या गीता, तो वह अपने वो सोचता है कि अगर मैं गीता लूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि वह गीता की कह देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम हो ही नहीं असली मुसलमान, क्योंकि तुम अगर मुसलमान अच्छे होते तो दोनों के तरफ के कहते या फिर एक कुरान के कहते। फिर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वह जाने लगता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जनरल गुस्से में आकर गोली मारने की कोशिश करता है, वहीं इंडियन जनरल सोल्जर वह पूरे सोल्जर को होशियार कर देता है क्या, और ऑर्डर दे देता है कि गोली मारने का, शूट का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से उन सबको गोली मार देता है। फिर एंड में
वह अपने बाप मम्मी के पास उसको अपनी पत्नी के पास छोड़ के तो अपनी पत्नी के उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और वह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।